Hey guys, welcome to my channel Kajal's Beauty Secret. So guys, आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ये मेरा फेस पैक का वीडियो है और ये जो फेस पैक है वो उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ही सीवियर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि पिंपल्स और एक्ने होते क्यों हैं. हमारे फेस पे ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, वो जब ओवर एक्टिव हो जाती हैं तो वो जो हमारे पोर्स हैं उनको इन्फ्लेम्ड कर देती हैं. फिर जो भी हमारे फेस पे बैक्टीरिया आते हैं, बेसिकली वो आप कह सकते हो वो ऑयल खाने या पीने आते हैं, तो वो उस कंडीशन को और भी वर्स कर देते हैं. ओके, जो आपके हेयर फॉलिकल होते हैं वो ऑयल और डेड सेल की वजह से वो भी क्लॉग हो जाते हैं. जो पिंपल्स होते हैं वो स्किन में कहीं भी हो सकते हैं, बट ये सबसे ज्यादा आपके फेस पे ही होते हैं. और पिंपल्स का और रीजन ये होते हैं, जैसे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स और आप जो पॉल्यूशन, डस्ट और यू नो स्मोक की वजह से भी आपके पिंपल्स हो जाते हैं. ठीक है गाइज, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमें इस फेस पैक के लिए क्या क्या चाहिए. इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा जो होता है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है. ये आपके स्किन के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके जो पिंपल्स में पेन होता है उसको भी कम करता है. इसमें जो है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो भी आपके पिंपल्स के बाद मास्क स्पॉट्स रह जाते हैं, डार्क स्पॉट, उनको भी फेड करता है. और ये जो आपके फेस पे एक्सेस ऑयल होता है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है. ओके, उसके बाद हम लेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ लेमन. तो जो लेमन, तो आपको पता है स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और ये भी एंटीसेप्टिक होता है और ये जो भी आपके इसमें बैक्टीरियल रीग्रोथ होती है उसको भी मारने का काम करता है. ओके, उसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक हल्दी. तो जो हल्दी होती है वो टर्मरिक होती है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और ये आपके जो पोर्स होते हैं उसको क्लीन करने का काम करती है और जो आपके स्कार्स भी रह जाते हैं उनको भी फेड करने का काम करती है. ओके, उसके बाद हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर. ओके, तो एप्पल साइडर जो विनेगर होता है वो जो है एंटी बैक्टीरियल होता है. ये आपके स्किन में पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है और जो बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको भी रोकता है. ओके, और जो आपके इसमें एक्सेस ऑयल या सीपम प्रोडक्शन होता है उसको भी बैलेंस करता है. ओके, उसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून ऑफ हनी. जो हनी होता है वो आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चर देता है. ये सब चीज़ें जो हम डाल रहे हैं ये आपकी स्किन को ड्राई कर सकती हैं, इसलिए हमने इसमें हनी किया है, डाला है, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो. ओके, उसके बाद हम लेंगे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल. ओके, तो टी ट्री ऑयल तो आपको पता है फेस बहुत एसेंशियल ऑयल है फेस के लिए. जिनके भी पिंपल्स और एक्ने होते हैं ये उनको क्योर करने के बहुत काम आता है. ठीक है, अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम फेस पे अप्लाई कैसे करेंगे. ओके, तो गाइज आप अपना फेस पहले सबसे पहले क्लीन करेंगे पानी से धोके और नेक को भी. उसके बाद आप इसको अपने फेस और नेक पे अप्लाई करेंगे. ये मेरा फेस पैक लगा लिया है. अब आपको 15 से 20 मिनट इसको फेस पे रखना है, ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा. उसके बाद आप एक लूक वार्म वाटर से, नॉर्मल वाटर से इसको धो लेंगे. इसके बाद आप अपना जो मॉइस्चराइजर है वो अप्लाई कर लेंगे. दैट्स इट. ओके, तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो फॉर सीवियर पिंपल्स एंड एक्ने प्रॉब्लम के लिए. और इसको आप वीकली 3 बार लगा सकते हैं. लेकिन गाइज लगाने से पहले प्लीज आप पैच टेस्ट करें, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है. तो पहले आप पैच टेस्ट करें अपने रिस्ट पे और उसके बाद आप फेस पे अप्लाई करें. ओके गाइज, ये आपको तब तक यूज करना है जब तक आपको डिजायर रिजल्ट ना मिल जाए. और आई एम श्योर कि आपको इसको रिजल्ट जरूर मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ओके गाइज, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी के वीडियोस को भी देखना ना भूलें. ओके गाइज, और फिर मैं एक और नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.